निजामुद्दीन औलिया अलैह रहमा को महबूब इलाही कहते हैं ना, इनका वाक्य भी उलमा ने यह लिखा है सूफिया ने कि इनके शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन मौज में आ गए और कहा कि निजामुद्दीन मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे। तो ये बड़ी खिदमत करते थे अपनी शेख की, तो कहा कि मुहिब बनोगे या महबूब, तो कहा हजरत अगर इजाजत हो तो अपनी माँ को ना पूछाओ। अल्लाह अकबर, इन लोगों की माएँ भी तो साहब हाल हुआ करती थी। तो कहा कि अगर इजाजत हो तो अपनी माँ को ना पूछाऊं कि मुहिब बनना है या महबूब बनना है। कहा जाओ तुम्हें इजाजत है। तो घर की तरफ रवाना हुए, एक आध दिन का सफर किया। रास्ते में एक फकीर था मजजूब जो रास्ते में बैठा था, हालत उसकी अजीब सी थी। तो ये सलाम करके गुजरने लगे तो वो मुस्करा के बोला मुहिब बनोगे या महबूब। तो हैरतजदा हो गए कि इसे कैसे पता चल गया, ये तो मेरे शेख का और मेरा राज है। तो रुक गए, कहा कि हजरत अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा हो। कहा नहीं नहीं, माँ से पूछो, जो वो बताएगी वही बन जाना, और अगर माँ ने ना बताया तो कल आ जाना, इसी वक्त यहां मुलाकात होगी, फिर मैं बता दूंगा। खैर चले, रात को पहुंचे, वालिदा की खिदमत में सलाम पेश किया, पांव दबाए और कहा कि शेख मौज में आ गई, और कहा मुहिब बनोगे महबूब बनोगे। तो मैंने कहा माँ से पूछ लूँ, तो मैं अम्मा जी आपसे पूछने आया हूँ, रास्ते में ये वाकया भी हुआ। तो माँ ने कहा कि बेटे तुम सुबह नाश्ता करके पलट जाना, और वो जो रास्ते में तेरे दिल की बात बूझ गया, वो कोई साहब हाल था, वो तुम्हें सही बता सकेगा कि मुहिब बनना कि महबूब बनना। खैर ये सुबह नाश्ता करके माँ के पाँव पकड़े, इजाजत तलब की और वापस निकले, और वहां जाके देखा तो कोई फकीर नहीं है। बड़े हैरतजदा हुए, दाएं बाएं से पूछा कि यहां कल एक बाबा बैठा था। कहा वो तो कल कहीं फौत हो गया। तो कहा उसकी कब्र कहां है। कहा कब्र किसने बनानी थी उसकी, वो गंदगी के ढेर पे लोगों ने फेंक दिया। दिल में बड़े हैरतजदा हुए, इतना बाग कमाल था, लेकिन अपनी हालत ये। खैर वहां चले गए और जाके खड़े होके पूछने लगे, बंदाए खुदा दिल की बातें पूछता था और मेरे साथ वादा किया था कि अगर माँ ने ना बताया तो कल आना, और अपना पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। ये बात कही तो बाबा उठ के बैठ गया। अरश फरश ते बांगा मिलिया ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सा मरना नाही ते गोर प्या कोई होर। हाँ हाँ, उठ के बैठ गया और कहा कि निजामुद्दीन महबूब बनना मुहिब ना बनना, मुहिबों का ये हाल होता है, ना कफन मिलता है ना दफन मिलता है, महबूब बनोगे तुम्हारी कब्र पर भी मेले लगेंगे। फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर हुजूर की अतात करोगे, हुजूर की फरमाबरदारी करोगे तो तुम महबूब बन जाओगे। जब कोई हुजूर का हो जाता है तो रब उसको अपना महबूब बना लेता है। तो हुजूर की मोहब्बत खुदा की महबूबियत का जरिया है, और हुजूर के सहाबा की जिंदगियां देखिए कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कैसे प्यार किया, हुजूर की मोहब्बत में अपनी आदतों को बदल दिया। हालांकि आदतें नहीं बदली जाती, तबाई का इख्तलाफ ये फितरी बात है, एक को एक चीज पसंद होती है दूसरे को वो चीज पसंद नहीं होती है। बस का माँ को मसला होता है कि ये चीज अगर मैं तैयार करती हूं तो मेरा दूसरा बेटा नहीं खाता, तो उसके लिए बात से अलग से कोई चीज तैयार करनी पड़ती है कि उसकी डिमांड ये है और मेरे इस बेटे की डिमांड ये है। लेकिन सहाबा की जिंदगियां देखिए, उन्होंने अपनी तबीयतें भी हुजूर की तबीयत के सांचे में ढाल दी। हजरत अनस बिन मालिक को किसी ने देखा कि वो शोरबे से कद्दू के टुकड़े निकाल निकाल के खा रहे हैं, तो कहा ये क्या कर रहे हो। कहा मैंने एक दिन हुजूर को यूं करते हुए देखा था। तो तबाए का इख्तलाफ ये एक फितरी इख्तलाफ होता है, लेकिन सहाबा ने उसको भी छोड़ा और हुजूर की मोहब्बत के सांचे में ढाल दिया, हुजूर की चाहत पे अपने मिजाज को बदला। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा की गली से गुजर रहे थे, एक गुम्बद नमा मकान बन रहा था और ऐसे मकान हुजूर को पसंद नहीं थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये मकान किसका है। कहा फलां अंसारी का है। हुजूर गुजर गए, चेहरे पे थोड़े से नागवारी आसार हवैदा हुए। किसी ने उस सहाबी को बता दिया कि हुजूर गुजरे थे, तेरे मकान को देखा, शायद पसंद नहीं आया। दो चार दिन के बाद हुजूर दोबारा गुजरे, देखा कि वहां मलबे का ढेर पड़ा हुआ था। फरमा सहाबी को बुलाओ, बुलाया गया। कहा मैं परसों तरसों गुजरा था, तेरा मकान देखा था, ये क्या हुआ।
अर्ज की, मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज की, सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं, मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, सर से लेकर पांव तक, निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक, अपने उमूरे जात से लेकर के अपनी मुआशरती जिंदगी तक, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, और हर वो चीज बदल दें जो हुजूर को पसंद।